नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनेशन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका जो उनकी तरफ से दायर की गई थी उसको लेकर सुनवाई होनी थी। दुमका कोषागार मामले में उन्होंने अपनी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अब इसको लेकर एक बार फिर से सुनवाई टाली जा चुकी है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। सीबीआई ने इसके लिए समय मांगा है। इससे पहले भी इस मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई हो चुकी है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने की वजह से लगातार उनकी तरफ से इस बात की मांग की जा रही थी कि उन्हें उनकी आधी सजा पूरी होने के आधार पर जेल से रिहा कर दिया जाए। इससे पहले 19 अप्रैल को इस मामले में उनकी सुनवाई हुई, उस दौरान भी हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अभी उनकी सजा पूरी नहीं हुई है, यानी कि 1 महीने 19 दिन का वक्त अभी भी बाकी है, और इसी वजह से उनकी सुनवाई को एक बार फिर से टाला गया, उनकी इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। जब दोबारा से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से अपनी सजा पूरी होने का हवाला देकर इसे आधार बनाकर फिर से जमानत याचिका दायर की और उसकी सुनवाई आज होनी थी, इसको लेकर लगातार सभी के मन में ये सवाल कौंध रहे थे कि आखिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इस सुनवाई पर क्या कुछ होगा, जेल मिलेगा या फिर बेल। लेकिन एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुनवाई टाल दी गई है, जिसकी अगली तारीख 16 अप्रैल रखी गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले भी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में कई सारी बातें कही थी, उस दौरान भी ये सुनवाई टाली गई थी। यहाँ तक कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बेटी रोहिणी आचार्य लगातार उनके रिहाई के लिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मुहिम चला रहे हैं, इस बात का हवाला दे रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। पिछले कई दिनों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 18 तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सबसे पहले वो रिम्स में थे, रांची के रिम्स में जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें फौरन दिल्ली में एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स में शिफ्ट किया गया। फिलहाल उनकी हालत तो स्थिर बनी हुई है, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स की निगरानी में है, इलाजरत है। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुनवाई को टाल दिया गया। चारा घोटाले के 4 मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुनवाई अलग अलग मामलों में लगातार होती आई है, और एक बार फिर से दुमका कोषागार मामले का हवाला देते हुए जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपनी जमानत याचिका दायर की तो उसको लेकर हाईकोर्ट ने दोबारा फैसला सुनाया और इस बात का ऐलान किया है कि फिलहाल ये सुनवाई अभी नहीं होगी, यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी भी कुछ और दिन जेल की सजा काटेंगे। इस मामले को लेकर 16 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। इससे पहले भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में बात कही गई, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, सभी को इंतजार 16 अप्रैल का रहेगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा होंगे या फिर जेल की सजा लगातार काटते रहेंगे। हालांकि दुमका कोषागार मामले की बात करें तो कोर्ट की तरफ से उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है, कभी अपनी बीमारियों की को लेकर तो कभी अगर हम बात करें उनकी सजा की अवधि की तो वो इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फाउंडेशन आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। फिलहाल ये खबर रांची हाईकोर्ट से है, झारखंड हाईकोर्ट से है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए टल गई है। इस मामले पर सुनवाई 16 अप्रैल को दोबारा से की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।